पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि जिस तरह से आए दिन पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह उनके ऊपर अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं, उनके ऊपर वह किसी भी तरह की टिप्पणी करना मुनासिब नहीं समझते, क्योंकि जो भी बोलते हैं इस बात का उन्हें भी पता नहीं होता है। इससे पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने विश्राम गृह सुजानपुर में लोगों की समस्याएं सुनी। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए धूमल ने कहा कि सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रत्येक माह दो बार इस तरह से जन समस्याएं समाधान दरबार लगाया जाएगा, जिसमें विशेष रूप से एक बार सुजानपुर शहर के लोगों को सुविधा दी जाएगी। जन समस्या निवारण दरबार के दौरान करीब 150 मामले उनके पास पहुंचे, जिन्हें संबंधित विभागीय अधिकारियों के सुपुर्द कर आगामी बैठक से पहले पहले निपटाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य युद्ध स्तर पर हों। पुरानी सरकारों ने अगर जनहित में लेकर कुछ कार्य शिलान्यास शहर में करवाए हैं जो धरातल पर सही पाए जाते हैं, उन कार्यों को भी शुरू करवाया जाएगा। इसके लिए शर्त यही है कि उन कार्यों का शिलान्यास प्रक्रिया आनन फानन में ना की हो। एक सवाल के जवाब में पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आए दिन समाचार पत्रों में ये पढ़ने को मिलता है कि सुजानपुर में बनने वाले टाउन हॉल के कार्यों को भाजपा पार्टी रुकवा रही है, तो इसके लिए आरोप लगाने वाले विधानसभा सत्र के दौरान प्रश्न पूछ सकते हैं कि किसने कार्य को रुकवाया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि टाउन हॉल का कार्य शिलान्यास प्रक्रिया और बजट का प्रावधान पूर्व सरकार ने किया है, तो इस कार्य को शहर की जनता के लिए करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि नगर परिषद सुजानपुर में जो विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं उसका शीघ्र अतिशीघ्र निवादन कर यहाँ पर एसटीयू नगर परिषद की तैनाती करवाई जाएगी। ऐसे में जब तक इस पद को सरकार भर्ती नहीं है तब तक लोक निर्माण विभाग के एसटीयू नगर परिषद के कार्य को देखेंगे। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष कैप्टन रंजीत सिंह, मंडल महामंत्री अंकुश गुप्ता, नगर परिषद अध्यक्ष रमन भटनागर, उपाध्यक्ष कमलेश कुमारी, वार्ड पार्षद, विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। इन पांच महीनों में मुझे बताया गया है कि 272 डॉक्टर्स नए लगे हैं। अब भी वॉक इन इंटरव्यू होता है, उसके माध्यम से प्रयास करेंगे जहां जहां खाली होंगे मैं तो वहां के पंचायत या नगर परिषद प्रस्ताव देंगे तो उनके आधार पर सरकार से मामला उठा के प्रयास करेंगे वहां डॉक्टर्स की नियुक्ति हो और अन्य स्टाफ की आवश्यकता है। सर, जैसे जंगल बैरी कुप्पर, जंगल बैरी की बात परसों जब मंत्री और मुख्यमंत्री आए थे तो उसकी बात हो गई है। मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि जंगल बैरी में वो डॉक्टर पोस्ट करेंगे, तो नगर परिषद से हमारा मंडल वाले लिख के देंगे, टेकअप करेंगे। डॉक्टर्स की वैसे शॉर्टेज है, आने वाले कुछ वर्षों में लगभग 750 MBBS